पूरे घर की तलाशी ली, मेरा जो कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए, मेरा फोन जो था पर्सनल वो भी सीज कर। हमारी फैमिली ने पूरा सहयोग दिया जांच में और आगे भी जो जांच होगी इस पूरे हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए हम डरते भी नहीं है। हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं पिछले 7-8 साल से, जब से राजनीति में ईमानदारी की राजनीति करते आए हैं। हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया और आगे भी करते रहेंगे। हमने बहुत ईमानदारी से काम करते हुए दिल्ली में स्कूल बनवाए और लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है। हमने ईमानदारी से काम करते हुए अस्पताल बनवाए हैं, लाखों लोगों को इलाज मिला है, लाखों लोगों की दुआएं हैं, लाखों बच्चों की उनके पेरेंट्स की दुआएं हैं, हम उनके लिए काम करते रहेंगे। केंद्र सरकार जितना दुरुपयोग करना चाहे सीबीआई का कर ले, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लाख रोकने की कोशिश करें, लेकिन स्कूल अस्पताल का काम, लोगों को अच्छी शिक्षा देने का काम, अच्छा इलाज देने का काम दिल्ली सरकार रोकेगी नहीं। व्यवहार सबका बहुत अच्छा था, नहीं अभी नहीं, उन्होंने जैसा मैंने शुरू में बोला, उन्होंने बस कंप्यूटर सीज किया है और मेरा फोन लेके गए हैं और कुछ फाइलें थी उनको लेके गए, कुछ फाइलें थी मेरे पास डिपार्टमेंट की वो लेके गए।